आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज सरकार के आश्वासन के बाद फिलहाल हड़ताल स्थगित कर दी है। वे कल से अपने काम पर लौट आएंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 अप्रैल तक का समय हमारी मांगों पर विचार करने के लिए मांगा है। मुख्यमंत्री ने हमें सकारात्मक आश्वासन दिया है, यदि हमारी मांगे 25 अप्रैल तक नहीं मानी गई तो हम 26 अप्रैल से पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार की समझ में आ रहा है कि हमारे बिना सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहन योजना का काम प्रभावित हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लाडली बहना योजना में बहनों को मिलने वाले लाभ को मद्देनजर रख सहृदयता दिखाते हुए फिलहाल काम पर लौटने का फैसला किया है। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नगरपालिका नीमच पहुंची और लाडली योजना के संबंध में ट्रेनिंग भी प्राप्त की। देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी वर्ष में सरकार गंभीरता पूर्वक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों पर विचार करती है या आश्वासनों का लॉलीपॉप देकर अपना काम निकलवाती है। सर, हमने अपनी हड़ताल समाप्त नहीं की है, हमने अपनी हड़ताल अभी क्या है स्थगित की है। हमारी 12 सूत्रीय मांगे थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको समय दिया है 15 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का। 25 अप्रैल तक यदि हमारी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं होती तो 26 अप्रैल से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि लाड़ी लक्ष्मी बहना का काम बहुत प्रभावित हो रहा है हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम बाढ़ के हम ही लोग सारा काम करते हैं EKYC। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को समझ गए कि और दूसरा विभाग इस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकता है, इसलिए मंत्री जी ने हमको समय दिया है तो हम उनकी बात रख रहे हैं। 25 तक यदि हमारी सुनवाई नहीं तो 26 को हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल बरकरार चले। आज हम लोगों का प्रशिक्षण था ये लाडली बहना योजना का, मैम मोबाइल ऐप के द्वारा समझाइश दी गई है। नहीं सर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे 15 दिन का समय मांगा है, अभी 25 अप्रैल तक उनने कहा है हम जब तक अभी विचार करेंगे आपकी मांगों पर, और हमने इसीलिए अभी इसका उनकी योजना प्रभावित नहीं हो, आम जनता परेशान नहीं हो और जो उनकी लाडली बहनें हैं उनको विशेष परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने हमारी हड़ताल अभी स्थगित की है। हमने अभी उसको बंद नहीं कराया, ख़त्म नहीं हुई है हमारी हड़ताल। अगर हमारी मांगे नहीं हुई पूरी 25 अप्रैल के बाद वापस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे और आंदोलन करेंगे। हाँ सर, हमारा काम हम सुचारू रूप से करेंगे। हमने 1 तारीख से ज्वाइन हो गए और आज हमारा प्रशिक्षण था लाडली बहना योजना को लेकर, तो आज हम लोगों के प्रशिक्षण हो गया है। हम कल से या आज ही से हमारा काम शुरू करेंगे। आज छुट्टी है इस कारण, महावीर जयंती के कारण, अब कल से हमारा काम करेंगे। नीमच से अब्दुल अली दानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।